नागिन की बेटी। मुबारक हो, जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। भजन सिंह जहां लड़के के जन्म की बात सुनकर खुश हो गया, वहीं लड़की के जन्म की बात पर उसकी खुशी आधी रह गई। इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमारे घर कोई बेटी भी हुई है। लोगों को सिर्फ इतना मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे घर बेटे का जन्म हुआ है। अपनी पत्नी को मैं समझा दूंगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना। इतना कहकर उसने अपनी नवजात बच्ची को उठाया और ले जाकर कस्बे से लगे जंगल की सीमा के पास छोड़ाया। वहाँ भयानक चुड़ैलों का एक झुंड रहता था, जो अक्सर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नरबलि दिया करती थी और फिर उनका मांस खाती थी। भजन सिंह आखिर था तो इंसान ही, रह रहकर उसका दिल उमड़ आता था, लेकिन दूसरे ही पल उस बच्ची के लिए दान दहेज जुटाने की जिम्मेदारी उसे बच्ची को जंगल में छोड़ने को विवश कर रही थी। वहीं जब वो बच्ची को वहाँ रख रहा था, तब बच्ची की आंखें जैसे उससे पूछ रही थी, पापा मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो, मुझे अपने से अलग मत करो। यही कारण था कि भजन सिंह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि उसे वहाँ रखने के बाद भजन सिंह ने उसे पलट कर आखिरी बार देखा भी नहीं। भजन सिंह के जाने के बाद चुड़ैलों के झुंड की नजर नवजात बच्ची पर पड़ी। चुड़ैलों ने जैसे ही उसे उठाया, वैसे ही पीछे से आवाज आई, ठहरो, बच्ची को वहीं छोड़ दो। ये एक मणिधारी नागिन थी जो उसी जंगल में रहती थी। उस बच्ची के रोने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी थी। तू क्यों बीच में पड़ रही है नागिन, ये हमारा शिकार है, चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं यहाँ से इस बच्ची को भी लेकर जाऊंगी, है हिम्मत तो मुझे रोक कर दिखाओ। चुड़ैले नागिन पर झपटी। नागिन शक्ति में उनसे कई गुना थी। कुछ ही पलों में उसने उन चुड़ैलों को धूल चटा दी। चुड़ैलों ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन जाते जाते उन्होंने नागिन को धमकी दी, आज तो तू जीत गई, लेकिन कभी न कभी तेरा ये सुरक्षा चक्र टूटेगा, तब हम इस बच्ची का शिकार तेरी आंखों के सामने ही करेंगी। नागिन ने उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना उस बच्ची को उठा लिया और उसे लेकर चल दी। बच्ची ने अब रोना बंद करके अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस नागिन को देखा। नागिन बच्ची को देखते हुए कहती है, ये मनुष्य कितने स्वार्थी हैं, लड़कों को अपने पास रखते हैं और लड़कियों को यूं जंगलों में मरने के लिए छोड़ जाते हैं। खैर, आज से तू मेरी बेटी है। उस दिन से नागिन ने अपना नाम मालती रखा और उस बच्ची को नाम दिया श्वेता। दोनों माँ बेटी एक नए गांव में चली गईं, जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता था। उस गांव में मालती ने दूसरे लोगों के खेतों में काम कर करके बड़ी ही मुश्किल से श्वेता का लालन पालन किया। उसे अच्छे से अच्छा खाना, कपड़ा और शिक्षा दिलवाई। श्वेता के लिए भी उसकी माँ मालती ही सारा संसार थी, मगर गांव के लोग अक्सर मालती के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते थे। ये मालती मुझे तो एकदम नागिन लगती है, ओ देखो नहीं, एकदम गोरा रंग या मजदूर ऐसे होते हैं, और कितना ही काम करवा लो ये कभी थकती भी नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि हर पूर्णमासी की रात को ये मालती नदी के किनारे नागिन का रूप धर अपनी केचली बदलती है। श्वेता को अपनी माँ के बारे में गांव वालों की ऐसी बातें बहुत बुरी लगती थी, मगर वो किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज श्वेता के कॉलेज का परिणाम आया था, उसने सारे कॉलेज में टॉप किया था। आज फिर तूने बाजी मार ही ली, पर मैं भी तुझसे कम नहीं हूँ, दूसरा स्थान मेरा ही है। श्वेता बस मुस्कुरा भर दी। अच्छा सुन, मेरे पास होने की खुशी में मेरे पापा ने एक घर पर एक पार्टी दी है, तू भी अपने मम्मी पापा के साथ जरूर आना। मेरे पापा नहीं है, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। ओह सॉरी, कोई बात नहीं। श्वेता ने कह तो दिया था, मगर आज से सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। माँ, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरे पापा कौन हैं। आज सारी लड़कियों के पापा उनके पास होने की खुशी में उन्हें तोहफे और पार्टी दे रहे हैं, यहाँ मेरे पापा कहाँ हैं मुझे पता ही नहीं है। अरे पगली, तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, देख तेरे पास होने की खुशी में मैं तेरे लिए ये चांदी की पायल लाई हूँ। और इसी तरह मालती ने आज फिर से श्वेता की बात डाल दी। आधी रात बीत चुकी थी, मगर श्वेता की आंखों में नींद नहीं थी। संजोग से आज पूर्णमासी की रात थी, तभी कमरे में खटका सा हुआ। श्वेता ने चौंक कर देखा कि मालती दबे पांव घर से बाहर निकल रही थी। श्वेता भी उसका पीछा करने लगी।
श्वेता ने वहाँ पहुँच कर जो दृश्य देखा उससे उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। गांव वालों की कही गई एक एक बात उसे याद आने लगी। इधर मालती जब चलने को हुई तभी उसके सामने श्वेता आ गई। आखिर गांव भर में फैली बात सच हो ही गई। न तुम मेरी माँ हो न ही कोई इंसान, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इतना कहकर श्वेता वहाँ से चल पड़ी। मालती ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर श्वेता ने उसकी एक न सुनी। चलते चलते वो उस गांव की सीमा से बाहर निकल आई। दोपहर हो आई थी। थकान और प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। अह निरंजन, क्या बात है बेटी? श्वेता ने उसे अपनी सारी विपदा कह सुनाई। बेटी तू उत्तर दिशा में सीधी चलती जा, जो पहला कस्बा मिलेगा उसके चौथे घर में तुझे पानी भी मिलेगा और तेरे सवालों का जवाब भी। अलख निरंजन। श्वेता एक नई उमंग के साथ चलने लगी और जल्द ही उस कस्बे तक पहुंच गई। अरे यही तो मेरी दोस्त निशा भी रहती है। फिर वो चौथे मकान की ओर बढ़ी। श्वेता ने बाहर बने प्याऊ से पानी पिया और घर की ओर बढ़ी। ये घर भजन सिंह का था। अंदर से कुछ बातें करने की आवाज आ रही थी। ये भजन सिंह का मकान था, वही भजन सिंह जिसने अपनी बेटी को बोझ समझकर अपने से दूर कर दिया था। आज वो अपने ही बेटे के हाथों अपनी करनी का फल भुगत रहा था। आज सुबह ही उसकी अपने बेटे से जोरदार बहस हुई थी। तू इस बार फिर से फेल हो गया नामुराद, जो पढ़ाई के नाम पर मेरे पैसों को आग लगा रहा है। कल से तेरा कॉलेज वॉलेज सब बंद। तू कल से खेत पर काम करेगा। ये खेती वेती का काम मुझसे नहीं होगा, मैं इस घर का कोई नौकर नहीं, बेटा हूँ। तेरे जैसे बेटे से तो निसंतान होना अच्छा है। पिताजी। और फिर वो क्रोध में भजन सिंह को मारने तक उठ गया था। आज रामलाल की बेटी ने कॉलेज में दूसरा स्थान पाया है, इसलिए वो दावत कर रहा है। काश आज हमारी बेटी भी होती तो वो भी इतनी ही बड़ी होती। तुम ही तो मेरी फूल सी बच्ची को बोझ समझकर फेंक आए थे। बड़ा अभिमान था ना अपने बेटे पर। आज देखो न ज्यादा पढ़ ही पाया न तुम्हारा किसी काम में हाथ बटाता है, उल्टा आज तो तुम पर हाथ उठाने चला था। इधर इनकी बातें सुनकर श्वेता का मन घृणा से भर गया। वो वहाँ से जाने लगी तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और बड़े जोर की आवाज हुई। कौन है? वही जिसे बोझ समझकर मरने के लिए फेंक आए थे। भजन सिंह और उसकी पत्नी के ये सुन आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों रो रो कर श्वेता से माफी मांगने लगे मगर श्वेता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। वो वहाँ से जाने लगी तभी वहाँ पर चुड़ैलों का झुंड प्रकट हो गया। आज से 20 साल पहले तेरी नागिन माँ ने तुझे बचा लिया था, मगर आज तेरी बलि चढ़ाने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहकर वो सब श्वेता पर झपटी। तभी वहाँ एक आवाज गूंजी। रुक जाओ, मेरी बच्ची को छोड़ दो और बदले में मेरी मणि ले लो, इससे तुम्हें अजर अमर होने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। नहीं माँ, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दो। मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू है मेरी बच्ची, तेरे आगे इस मणि का कोई मोल नहीं है, तू तो अनमोल है। चुड़ैल श्वेता को छोड़ मणि की ओर झपट पड़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मणि को स्पर्श किया वैसे ही उनका सारा झुंड आग से घिर गया। देखते ही देखते वो सब राख की ढेर बन गई। ये सब पापी चुड़ैलें इस पवित्र मणि को छूते ही भस्म हो गई हैं। इसके बाद भजन सिंह और उसकी पत्नी फिर से श्वेता को मनाने की कोशिश करने लगे। मेरी एक ही माँ है और सिर्फ माँ ही नहीं, वो मेरे पिता, भाई, बहन सब कुछ है। ये वही मालती देवी है जिसने मुझे बोझ समझकर ठुकराया नहीं बल्कि हीरा समझकर सीने से लगाया। आप लोगों के लिए तो मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन आपने मुझे बोझ समझकर फेंक दिया था। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के साथ। इतना कहकर श्वेता मालती के साथ जाने लगी, लेकिन जाते जाते वो एक बार पीछे मुड़ी। सच में बेटियाँ बोझ नहीं होती हैं। जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं वो खुद ही एक बोझ होते हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।